और हाँ, किसी को भी अपनी बाइक वगैरह काम करवाना हो ना, साहिल का नंबर दे रहा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है अब्बा। तो सुबह से शाम हो चुकी है, अभी तक मैंने कैमरा उठा के नहीं देखा था, बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। दो चार जरूरी काम थे वो निपटाए, उससे ज्यादा जरूरी काम बाइक से रिलेटेड जो मैं पिछले दो तीन दिन से ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल दिल लगा के मन से ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को एक बाइक चाहिए, टूरिंग बाइक चाहिए। छोटे सेगमेंट में भी चल जाएगी, बड़े सेगमेंट में भी चल जाएगी, लेकिन रेट भी जायज़ होना चाहिए, कम किलोमीटर चली हो। मतलब बहुत सारी डिमांड होती है, कोई चीज़ पुरानी लेते हैं ना, तो वही डिमांड हमारी भी है, तो चीज़ अच्छी मिल जाएगी तो ले लेंगे। तो बस अभी भी उसी काम से जा रहे हैं, एक और बाइक देखने जा रहा हूँ, जैसे मिलेगी ना आपको वीडियो में पता लग जाएगा। बस कैमरा मैं साथ में उठा लिया, मैंने यार वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मेरे दिमाग में यार आपको बता दो तू कहाँ बिजी चल रहा हूँ, पता चले फिर मैंने दो तीन दिन वीडियो नहीं डाली, आप लोग बोले यार प्रभजोत भाई तुम एकदम से बीच में गायब कहाँ हो जाते हो। तो देखो अपने ना दो राइड के प्लान बन रहे हैं एक्चुअली, एक तो बन रहा है मेरी वाइफ के साथ जिसपे मैं टूरिंग बाइक लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें पैनियर लगे हो, सारा लगेज आराम से चला जाए, आराम से घूमे फिरे, राइड को ना एंजॉय करे, ये नहीं थकावट हो जाए मैं भूसा ले जाऊँ, भूसा पे वाइफ को बिठा लूँ, बैग टांग ले, कमर में दर्द, वहां जाके एंजॉय नहीं कर पाए, मतलब मजा खराब नहीं करना चाहता। दूसरी राइड का प्लान बन रहा है अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसपे मैं भूसा लेके जाऊंगा। देखो भूसा जब लेके जाऊंगा ना दोस्तों के, ज्यादा सामान नहीं भी लेके गया, एक जींस, तीन चार टी शर्ट ले गया, तोलिया ले गया, ड्रोन ले गया, कैमरा ले गया, वो एक बैग में आ जाएगा, उसको पीछे टांग लूंगा। देखो दोस्तों के साथ ना सह लिया जाता है, लेकिन वाइफ के साथ जाऊंगा ना और पता चले उनकी कमर में दर्द हो गया, फिर गालियां लग पड़ेंगी, इसलिए मेरे को टूरिंग बाइक चाहिए ही चाहिए। बाकी देखते हैं, जो भगवान को मंजूर हो होगा वही, अगर भूसा लेके जानी होगी तो भूसा ही लेके जाएंगे, अगर टूरिंग बाइक आनी होगी तो टूरिंग बाइक आके रहेगी। ये आज नहीं छोड़ेंगे हम इस चप्पल को, ओ नहीं छोड़ेंगे हम इस चप्पल को, आज मार डालेंगे। तो कोको अपनी चप्पल के साथ खेल रहा है और बहुत ही ज़्यादा उद्यमी हो गया। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ यार, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया राय देते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भाई टूरिंग बाइक कम सेगमेंट की ले लूँ तो चलेगा ना, आप सब लोगों ने बोला भाई कोई भी बाइक ले लो, हमको मोटो व्लॉग देखना है, हमको आपके साथ घूमना है, आपकी आंखों से ना बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया वो वीडियो देख के कि भैया हमारे पास बाइक खड़ी है और ऐसी ऐसी बाइक खड़ी है ना, आप आवाज़ करो, आपको कौन सी बाइक चाहिए, वो वाली बाइक आपको हम दिलवा देंगे, और अच्छी से अच्छी कंडीशन, कम से कम रेट में। मतलब अच्छा सा लगता है कि हाँ, सिर्फ वीडियो में एक बार बोलने की जरूरत होती है, इतने सारे बंदे हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। तो बहुत सारी मेरे पास फोटोज आई बाइक की, बहुत सारी वीडियोज आई बाइक की, उसमें से हमने तीन चार बाइकें सेलेक्ट करी हैं, वो आज देखने के लिए जाएंगे, जो भी फाइनल होगी ना आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता देंगे। लेकिन आज ना हम भूसा का भी कुछ काम करने वाले हैं, भूसा की ना काफी हमने छोटी मोटी एक्सेसरीज मंगवा के पहले से ही रखी हुई थी, वो आज चेंज करनी है, आगे हेडलाइट का बल्ब भी चेंज करना, बिकॉज उस दिन ना मैं कावासाकी से रात को घर आ रहा था, टाइम हुआ करीबन 8:30 था, अंधेरा हो चुका था, उसके अंदर अभी पीले बल्ब लगे हुए हैं और रोड पे कुछ नजर नहीं आता, मतलब नजर आता है लेकिन अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो ना जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, वहाँ आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। उस टाइम मेरा ध्यान गया नहीं भाई बल्ब तो आगे वाले चेंज करने ही चाहिए, तो उसमें हम कोई बढ़िया वाले बल्ब डालने वाले, जो हमने Z800 में डाले थे ना, मतलब पूरी जगमगा जाएगी रोड, ऐसा कुछ बल्ब डालने वाले हैं, और छोटी मोटी एक्सेसरी वो भी चेंज करने वाले हैं, लेकिन वो हम आज ही और अभी करने वाले हैं, बस 10-15 मिनट में और करेंगे, और अभी टाइम हो चुका सुबह के 11:00। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत्याकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी पनो, छोटों को हेलो। तो होप करता हूँ आप सब मेरी तरफ बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना, और बस ऐसी साथ बनाए रखना, और सारी वीडियो को लाइक करते रहना, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो ना, तो इस वीडियो को भी लाइक मैं करूँ अभी कर दो, मतलब लास्ट में तो बोलते हैं वीडियो के, लेकिन अभी बोल देता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, बस अच्छा सा लगेगा मन को, और तो कुछ नहीं। भाई गर्म हो चुकी है, वैसे तो धूप इतनी ज़्यादा है, मतलब टैंक पे ना हाथ भी नहीं लग रहा, इतनी गर्म हो रही है बाइक, और शीशे अपने एकदम सही हो चुके हैं, टेंशन नहीं लेने का, मौज लेने का। देखो जो लाउड एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो शॉर्ट राइड में तो मज़ा आता है, शॉर्ट राइड मीन्स अगर आप संडे राइड कर रहे हैं या डेली में घूम रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं लॉन्ग राइड पे ना, मतलब यहाँ से अमृतसर चले गए 500 किलोमीटर, तो कान ऐसे सुन हो जाते हैं कि मतलब बाइक से उतरने के बाद, रूम में घुसने के बाद भी 2 घंटे तक ऐसा लगता है जैसे कान में आवाज गूंज रही है, लेकिन फिर कहते हैं यार मजा तो यही है, दूर से पता तो लगना चाहिए कोई तगड़ी सी बाइक आ रही है। बाकी अब अपने को लेनी है टूरिंग बाइक, ना उसमें होगी आवाज, उसमें होएगा खाली आराम ही आराम। और देखो बातें करते करते हम साहिल के घर भी पहुंच गए। हो, मेरे को लगा था यहाँ छाया होगी, लेकिन छाया तो है ही नहीं। ओ भाई छाया तो है ही नहीं यार, यहाँ साइड पे काम करना पड़ेगा ना, एक पानी की बोतल भी दे दियो नहीं तो।
गर्मी से कोई मरी ना जाए। ये आ चुकी है बाल्टी। यार कितनी सेक्सी लगती है ना वाइट कलर। अरे तू कहाँ भाग रहा भाई, यहीं बैठ। मतलब मजेदार लगती है, दिल खुश हो जाता जब भूसा को देखता हूँ। अबे क्या कर रहा भाई, मारना चाहता है क्या? ये आ गई अपनी टूल किट। जब आपको ज्यादा गर्मी सताए तो सिर्फ यही वाला हथियार है जो काम आए। ओ भाई कब निकलेगा? आपको बता दूं इसके अंदर खाली पानी है, मतलब थोड़ा पानी लग जाता है ना शरीर पे और ये जो गर्म हवा चलती है वो थोड़ी ठंडी ठंडी सी महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो काम करना है वो तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट। तो ये आ चुका है हमारी बाइक का मीटर बाहर। भाई ये जो नई बाइक लूँगा उसमें लगा देगा ये वाला मीटर? है हाँ। पक्की बात है ना? वाह, ये ऐसा करना मेरी ड्यूक में लगा दे, ये वाला मीटर लग जाएगा? हाँ लगा देते हैं। पक्की बात है ना? हाँ। भाई साहब तो ड्यूक का नाम चेंज होके हो जाएगा ड्यूक भूसा, नहीं भूसा ड्यूक, पता नहीं क्या होगा। तो बेसिकली भूसा की हेडलाइट में ना चार बल्ब होते हैं, दो पार्किंग बल्ब, एक हाई बीम वाला, एक लो बीम वाला। हम चारों के चारों व्हाइट लाइट करने वाले हैं। येलो लाइट तो यार मतलब इतनी बेकार है ना कि आप रात को भूसा चलाओगे ना आपको रोड पर ना खड्डे नजर आएंगे, मतलब कुछ नज़र ही नहीं आएगा। ये लाइट जो होगी ना बेस्ट अल्टीमेट। फिर हम देखेंगे जो नई वाली बाइक ले रहे हैं उसको लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं या इसको लेके जाते हैं। अगर वाइफ जाएगी तो नई वाली बाइक, और अगर वाइफ नहीं जाएगी तो ये वाली बाइक। वैसे अभी तक बाइक सोची नहीं है कौन सी लेनी है, कुछ हता पता नहीं है, लेकिन बस सपने सजा लिए। देखो सपने होते हैं ना तभी पूरे होते हैं। अगर आप सपने देखोगे नहीं ना अपने होते हैं, अगर आप सपने देखोगे नहीं तो पूरे कहाँ से करोगे? तो सपने देखते रहो, कभी ना कभी तो साकार होंगे। तो अभी सीन क्या हुआ ना, हमें नहीं पता था कि भूसा में ना जो दो बल्ब लगते हैं, एक हाई बीम एक लो बीम, दोनों बल्ब अलग होते हैं। हमें लगा था वो सेम बल्ब होते हैं। इसके चक्कर में ना हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ गए, बिकॉज ये जो बल्ब होता है ना पेयर में आता है, सिंगल नहीं आता, तो पेयर खरीदना ही पड़ता है। तो हमने एक उसका पेयर खरीदा, हमने किसका पेयर खरीदा, अब हमारे पास दो बल्ब फालतू पड़े हैं। मतलब एक हाई बीम वाला, एक लो बीम वाला, मतलब एक और भूसा में, एक और भूसा में लग सकते हैं। तो भाई किसी को भी लगवाने अपनी भूसा में हमें बताएं, हम डबल पैसे लेके उनकी भूसा में लगा देंगे। भाई जो कमाई भी तो करनी है यार, खर्चा कैसे चलेगा? मतलब भूसा में इतना सारा खर्चा, फिर उसके बाद नई बाइक ले रहे हैं उसमें इतना सारा खर्चा। और हाँ किसी को भी अपनी बाइक वगैरह काम करवाना हो ना, साहिल का नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कॉल करना। मतलब कोई भी आपको डिटेल चाहिए कि हाँ भाई ये एग्जॉस्ट कितने का है, ये बल्ब कितने का है, लाइट कितने का, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो, टेंशन ना लेना। तो वही नंबर नहीं दे रहा, साहिल की आईडी इंस्टाग्राम की एससी यूनिट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी आ रही होगी। उस पे जाके आप कोई भी इससे इंक्वायरी पूछ लेना। और काफी लोग बोलते हैं भाई तू रिप्लाई नहीं करता, अब तू रिप्लाई नहीं करेगा तो तेरे से कैसे पूछेंगे? ऐसा है ना, हाँ। कोई हाय हेलो करेगा, वेला, हाँ, बिल्कुल, करेगा बिल्कुल, तो ऐसा नहीं। ये सारे मैसेज पढ़ता है, बिल्कुल, ये सारे मैसेज पढ़ता है। अगर आपने उसमें काम का लिखा होगा ना कि ये एग्जॉस्ट कितने का, मतलब डायरेक्ट बात करो कि हाँ ये एग्जॉस्ट कितने का है, हेलो नहीं, आप हाय भेज रहे हो, फिर आगे से हाय भेजेगा, फिर आप पूछो कैसे हो, ये बोलेगा मैं बढ़िया, आप बताओ। कुछ जने ऐसे लिखते हैं आपसे एक बात पूछनी है, भाई सीधा बात ही पूछ लो ना, बात ही पूछ लो तो काम की बात करोगे तो। और हाँ एक चीज और, काफी बंदे मेरे को ये भी कहते हैं कि भाई आप साहिल से काम कराते हो उसको पैसे देते हो या फ्री में करवाते हो? भाई देते हैं यार, क्यों नहीं देते? मतलब ये जनवन बात है भाई, ऐसा नहीं है, देखो थोड़े कम लेता हूँ। हाँ बट लेता, अपने को डिस्काउंट मिलता है। हाँ। देखो क्या होता ना, दोस्त ये रेगुलर कस्टमर है ना, इसलिए दोस्ती यारी अपनी जगह होती है और खर्चा अपना अपना। हाँ। ये बहुत पुराना डायलॉग है, अगर दोस्ती यारी के बीच में पैसा आ जाएगा ना तो दोस्ती यारी खराब हो जाएगी। इसलिए पैसे को बीच में लाओ, जो इसको देने होते हैं मैं डेफिनेटली देता हूँ, ताकि इसके मन में ना रहे अगली बार बोलूँ ना भूसा कुछ काम करना, मेरा फोन ही उठाना बंद कर देगा। मैं नहीं उठा रहा इसका फोन। भाई 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 भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंडिकेटर क्या खोल रहा है अब? इसमें लगे हुए हैं बल्ब, तो मैं इसमें लगा दूंगा एलईडी। ओके, एलईडी होती है, कम बैटरी चूसेगी। ओके, और हाँ बैटरी इसकी वैसे भी जल्दी डेड होती है, बहुत बढ़िया। और इसके तो अगर इंडिकेटर चारों इकट्ठे चल रहे हो तो मीटर पे और लाइट पे थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, वो ब्लिंक मारती है, ब्लिंक मारती है, तो चारों बदल देंगे ना? हाँ चारों बदलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो नाउ द फाइनल पार्ट, अब हम इसके स्पूल्स बदल रहे हैं। पहले केटीएम वाले लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, और अभी हम लगा रहे हैं क्रोम वाले, क्रोम। This is called anodized. Anodized. बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है ना? उल्टा लगाया हुआ देखो। ओ भाई साहब। ये ऐसे लगता है बंदे ने गलत लगाया हुआ था। खतरनाक खतरनाक बंदे बैठे हैं भाई।
तो अपना सारा काम कंप्लीट, एक बार आपको आगे वाली लाइट दिखाता हूँ। भाई साहब ये कर देगी हाईवे पे रोशनी, बुम 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 बुम। चल ठीक है, तो अभी अपने को एटीएम जाना है, वहाँ से कुछ पैसे निकालने, बिकॉज शाम को हम जा रहे हैं बाइक देखने, और जहाँ भी जाएंगे अगर कोई बाइक पसंद आएगी हाथों हाथ एडवांस दे आएंगे, लेट नहीं करना। बस यहाँ से लेना है हमने यू टर्न, और हायाबुसा का यू टर्न ना मुश्किल तो नहीं होता लेकिन बहुत देख के लेना होता है, हैवी बाइक है, पता चले इधर कोई पलट गई। और ये हम पहुँच गए हैं HDFC ATM। तो आज हमारा झगड़ा हो चुका है झाड़ू से, इस झाड़ू को भाई साहब मैं कह रहा हूँ ख़त्म कर देंगे। ओ कोको, हेलो भाई साहब, झाड़ू बहुत महंगे आते हैं, क्या कर रहे हो आप? ओए छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, साथ का लेके जा रहा है उसको, छोड़। ओ भाई हेलो, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और कल हम गए थे बाइक देखने के लिए, हमें एक बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई, हाथों हाथ एडवांस दे आए हैं, आज जाके वो बाइक उठा लाएंगे। कल आने वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा कौन सी बाइक हम लेने वाले हैं, और लड़के के चेहरे पे खुशी देख रहे हो, मतलब अच्छा सा लग रहा है, बड़ा मतलब बढ़िया सा लग रहा है। जाते जाते आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई लड़का हमेशा पुरानी बाइक ही क्यों लेता, नई बाइक क्यों नहीं लेता। देखो यार, वी आर फ्रॉम ना मिडिल क्लास फैमिली, और क्लास से फर्क नहीं पड़ता, मिडिल लो अपर ये तो सब बस बोलने वाली बात है। देखो हर इंसान के ना बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, मतलब ये सपना ही पूरा करना, ये सपना ही पूरा करना, और पैसा ना बहुत मेहनत से कमाया है, तो हमें ना देख के खर्च करना होता है कि हाँ यहाँ खर्च करना जायज़ है कि नहीं है। अगर कोई नई बाइक 15 लाख रुपये की है और सही कंडीशन में एकदम बढ़िया कम चली हुई हमें 10 लाख रुपये की मिल रही है, तो हम वो क्यों ना लें, लेनी चाहिए ना। 5 लाख बच रहे कि नहीं बच रहे, और मेरा तो हाल ऐसा है मैं 6 महीने कोई बाइक चला लेता हूँ ना फिर मेरा दूसरी बाइक पे मन आता है यार वो वाली भी चलानी है, मतलब अपने को तो शौक है, और जिसको शौक है हमेशा किसी और बाइक पे मन आता ही रहेगा। इसलिए 10 लाख की अगर हम बाइक लेते हैं पुरानी, उसको 6 महीने बाद 8 महीने बाद बेचते भी हैं, वो 8 लाख की बिकेगी, 15 लाख वाली ली हुई वो भी 8 लाख की बिकेगी, तो 2 लाख का घाटा सही है या 7 लाख का घाटा सही है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। देखो सबका अपना अपना मानना होता है, कुछ बंदे होते हैं हमेशा नई चीज़ ही खरीदते हैं, और मैं बाइकों गाड़ियों में बिलीव करता हूँ अगर मेरे को 6-8 महीने चलानी है ना तो मैं उसको पुराना ही खरीदूँ, 6-8 महीने अपना शौक पूरा करके उसको दोबारा बेच दूँ, घाटा भी कम होगा शौक भी पूरा हो जाएगा। बस मेरा मानना यही है, मेरे मन में आता कि हाँ आप लोगों को बताऊँ कि भाई मैं ऐसा क्या सोचता हूँ क्यों पुरानी बाइक लेता हूँ। बाकी ठीक है, कल आने वाली वीडियो का वेट करना, और अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने लाइक नहीं करा लाइक करते ना, अच्छा सा लगता है। तो ठीक है यार, मिलते हैं किसी वीडियो से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ घंटे का बटन भी है घंटा भी दबा देना, कल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय बाय।